नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए विषय कोड EL209 इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में आज हम बात करेंगे डुअल ट्रेस और डुअल बीम ऑसिलोस्कोप। डुअल ट्रेस CRO क्या होता है, डुअल बीम CRO क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डुअल ट्रेस CRO। डुअल ट्रेस CRO में दो चैनल होते हैं, चैनल ए और चैनल बी, जिसमें प्री एम्पलीफायर और एटेन्यूएटर होता है, डिले लाइन और एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जो दोनों चैनल में से कौन से चैनल का सिग्नल CRO या CRT की वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाएगा। और नीचे वाला जो सेक्शन दिखा रखा है वह सेक्शन ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन के लिए ओरिजेंटल सेक्शन दिखाया गया है, जिसमें ट्रिगर सर्किट, स्वीप जनरेटर और ओरिजेंटल एम्पलीफायर के होते हुए सिग्नल CRT स्क्रीन के ओरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पे अप्लाई किया जाता है। इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो देर आर टू सेपरेट वर्टिकल इनपुट चैनल्स ए एंड बी। तो वर्टिकल इनपुट चैनल्स होते हैं ए एंड बी एंड दीज यूज सेपरेट एटेन्यूटर एंड प्री एम्पलीफायर स्टेजेस। दोनों में ही अलग अलग क्या होता है, एटेन्यूटर यूज में लिया जाता है, प्री एम्पलीफायर काम में लिए जाते हैं और डीले लाइंस काम में लिए जाते हैं। देयरफॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ ईच इनपुट एज व्यूड ऑन द ऑसिलोस्कोप कैन बी इंडिविजुअली कंट्रोल्ड। तो CRO की या CRT की स्क्रीन पे जो सिग्नल्स प्राप्त होंगे या जो वेवफॉर्म्स प्राप्त होंगे वो अलग अलग उसको कंट्रोल किया जा सकता है। डुअल ट्रेस का मतलब CRT की स्क्रीन पे दो ट्रेस ऑब्टेन होंगे जिनको सेपरेट कंट्रोल किया जा सकता है। आफ्टर प्री एम्पलीफिकेशन द टू चैनल्स मीट एट एन इलेक्ट्रॉनिक स्विच। और ये दोनों चैनल्स के जो सिग्नल है फाइनली जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है उस पर कलेक्ट होते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक स्विच को सेलेक्ट करके पर्टिकुलर चैनल को सेलेक्ट किया जाता है। दिस हैज द एबिलिटी टू पास वन चैनल एट ए टाइम इनटू द वर्टिकल एम्पलीफायर वाया द डिले लाइन। फाइनली हम क्या देखते हैं, इन डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप ए सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम, एक ही इलेक्ट्रॉन बीम काम में ली जाती है। ए सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट्स टू ट्रेसेस, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम से CRO की या CRT की स्क्रीन पे दो ट्रेसेस बनते हैं। डेट अंडरगो डिफ्लेक्शन बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस टू सेपरेट ट्रेसेस। बेसिकली टू मेथड्स आर यूज्ड, दीज आर नोन एज फर्स्ट अल्टरनेट मोड एंड सेकंड चॉप मोड। यानी कि दो ट्रेसेस बनती हैं उनको दो प्रोसीजर या दो मेथड के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पहला मेथड है अल्टरनेट मोड और दूसरा मेथड है चॉप मोड। तो ये वेवफॉर्म दिखाई गई है, फर्स्ट वेवफॉर्म अल्टरनेट मोड की है और सेकंड वेवफॉर्म चॉप मोड की है। तो फर्स्ट वेवफॉर्म के अंदर भी जो फर्स्ट वेवफॉर्म है ये जो हॉरिजॉन्टल स्वीप जिसको सॉटूथ वेव कहते हैं वो दिखाया गया है और चैनल ए और चैनल बी के वोल्टेज को दिखाया गया है। इसके कॉम्बिनेशन से जो कंट्रोल ग्रिड कंट्रोल वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो फोर्थ नंबर पे दिखाया गया है। सिमिलरली चॉप्ड मोड के अंदर चैनल ए और चैनल बी पे जो सिग्नल्स वोल्टेज होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यानी कि एक साइकिल में नंबर ऑफ पल्सेज ज्यादा होते हैं। और चॉप्ड मोड के अंदर जो वेवफॉर्म ग्रिड कंट्रोल पे मिलती है वो फोर्थ कॉम्बिनेशन में दिखाई गई है। तो ये बेसिकली दो मेथड बताए गए हैं, अल्टरनेट मोड और चॉप्ड मोड। इनमें से कोई सा भी मेथड यूज में लेते हुए जो CRT की स्क्रीन पे दो ट्रेसेस बनाए जा सकते हैं यूजिंग सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम। इसलिए ये जो बताया गया है ये क्या दो ट्रेसेस बन रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। नेक्स्ट हम बात करते हैं डुअल बीम ऑसिलोस्कोप या डुअल ट्रेस ऑसिलोस्कोप। डुअल बीम के नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप के या इस प्रकार के ऑसिलोस्कोप या CRO में दो इलेक्ट्रॉन बीम यूज में ली जाती है, यानी कि सेपरेट
वर्टिकल लाइन यूज में ली जाएगी। तो सीआरटी के अगर इस की कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो दो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सेक्शंस काम में लिए गए हैं, वाई सेक्शन में दो वर्टिकल प्लेट्स काम में ली गई है, एक फर्स्ट सेक्शन सिग्नल ए यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गन का जो चैनल है उसके लिए है, और सेकंड इलेक्ट्रॉन गन के चैनल के लिए यूज में लिया गया है। तो ये डुअल बीम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोड्यूस हो रही है डुअल बीम कॉन्फ़िगरेशन में प्रोड्यूस हो रही है, ये डुअल बीम है। और इसका जो नीचे वाला सेक्शन दिखाया गया है सेम जो एक्स प्लेट या हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट के लिए है, ट्रिगर सर्किट स्वीप जनरेटर हॉरिजॉन्टल। तो इफ द टू चैनल्स कैन हैव एन इंडिपेंडेंट टाइम बेस्ड सर्किट देन दे प्रोड्यूस डिफरेंट स्वीप रेट्स फॉर एन इंडिविजुअल चैनल्स। यानी कि इस डुअल बीम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर दो चैनल के कोरस्पोंडिंग इंडिपेंडेंट टाइम बेस्ड सर्किट्स काम में लिए गए हैं। दिस विल आल्सो इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ द ऑसिलोस्कोप। इससे होगा क्या, इससे उस पूरे के पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो कंबाइंड यूनिट है, उसका वेट और साइज बढ़ जाएगी। ईच चैनल हैज सेपरेट एटेन्यूएटर डिले लाइन एंड एम्पलीफायर। तो हर चैनल के लिए सेपरेट प्री एम्पलीफायर भी होगा, एटेन्यूएटर होगा, डिले लाइन होगी और वर्टिकल एम्पलीफायर और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट होगी। टू मेथड्स आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग टू इलेक्ट्रॉन बीम्स विद इन सीआरटी। तो दो मेथड्स यूज में लिए जाते हैं, और कौन कौन से मेथड्स काम में लेते हैं, यूजिंग डबल इलेक्ट्रॉन गन, यानी कि या तो दो इलेक्ट्रॉन गन कॉम्बिनेशन काम में लेते हैं, या एक जो इलेक्ट्रॉन गन से जो बीम प्रोड्यूस होती है उसको स्प्लिट कर देते हैं, और सेकंड मेथड है यूजिंग ए बीम स्प्लिटिंग मेथड। तो फर्स्ट डबल इलेक्ट्रॉन गन में क्या होता है, इट जनरेट्स टू इलेक्ट्रॉन बीम सेपरेटली, सो द ब्राइटनेस एंड फोकस ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी कंट्रोल्ड सेपरेटली बट इट इंक्रीजेज वेट। सेकंड स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, इन द स्प्लिट बीम मेथड द लास्ट एनोड हैज टू अपर्चर्स थ्रू विच टू बीम्स इमर्जेस। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, दो बीम्स स्प्लिट कर दी जाती है इस बीम स्प्लिटिंग मेथड के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन बीम या दो वर्टिकल जो सेक्शंस है सेपरेटली यूज में ले रहे हैं, ठीक है, और जो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पे जो सिग्नल जा रहा है वो दो सेक्शंस के थ्रू अलग अलग सेपरेट इंडिपेंडेंट चैनल्स के थ्रू हो रहा है, इसलिए डुअल बीम ऑसिलोस्कोप कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डुअल ट्रेस और डुअल बीम जो सीआरओ है या ऑसिलोस्कोप है उनमें मेन डिफरेंस क्या क्या होता है। तो डुअल ट्रेस सीआरओ, डुअल ट्रेस सीआरओ में इस सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम इज यूज्ड टू डिस्प्ले टू ट्रेसेज। डुअल ट्रेस सीआरओ के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बीम काम में ली जाती है, लेकिन दो ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं स्क्रीन पे। और डुअल बीम सीआरओ में क्या होता है, टू इलेक्ट्रॉन बीम्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले टू सिग्नल्स, दो इलेक्ट्रॉन बीम्स और दो डिस्प्ले कॉम्बिनेशन। डुअल ट्रेस सीआरओ में वन मेन वर्टिकल एम्पलीफायर इज यूज, इन डुअल बीम सीआरओ टू मेन वर्टिकल एम्पलीफायर यूज, इसके अंदर दो वर्टिकल एम्पलीफायर होते हैं और डुअल ट्रेस में एक वर्टिकल एम्पलीफायर होता है। डुअल ट्रेस सीआरओ में टू फास्ट ट्रांजिएंट इवेंट्स कैन नॉट बी कैप्चर्ड, लेकिन डुअल बीम के अंदर कैप्चर कर सकते हैं, टू फास्ट ट्रांजिएंट इवेंट्स कैन बी कैप्चर्ड। टू सिग्नल्स कैन नॉट बी डिस्प्लेड टुगेदर इन रियल टाइम। वास्तव में जो डुअल ट्रेस कहते हैं दो सिग्नल जो दिखते हैं वो साइमल्टेनियसली नहीं दिखते हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ टाइम का गैप होता है। तो टू सिग्नल्स कैन नॉट बी डिस्प्लेड टुगेदर इन रियल टाइम, लेकिन डुअल बीम सीआरओ में टू सिग्नल्स कैन बी डिस्प्लेड साइमल्टेनियसली इन रियल टाइम। द सर्किट ऑपरेट्स आइदर इन अल्टरनेट मोड और चोक मोड। जस्ट बात की थी कि डुअल ट्रेस के अंदर जो सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं या ट्रेसेस जो प्राप्त होते हैं वो दो मेथड्स के कोरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, एक अल्टरनेट मोड के अंदर और एक चोक मोड में, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम सिंगल इलेक्ट्रॉन बीम यूज में ली जाती है डुअल ट्रेस सीआरओ में। डुअल बीम सीआरओ में टू इलेक्ट्रॉन बीम्स आर ऑब्टेंड आइदर बाय यूजिंग टू
इलेक्ट्रॉन गन और बाय यूजिंग बीम स्प्लिटिंग मेथड या टेक्निक। वर्ल्ड ट्रेड सीआरओ में द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सिग्नल शुड बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर फॉर ए स्टेबल डिस्प्ले ऑफ बोथ द ट्रेसेस एज बोथ द सिग्नल्स आर कंट्रोल्ड बाय ए वन टाइम बेस। यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सीआरओ के अंदर जो सिग्नल्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे के मल्टीपल होनी चाहिए, लेकिन डुअल बीम सीआरओ में इफ टू टाइम बेसेज आर यूज्ड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द सिग्नल्स शुड नॉट बी मल्टीपल ऑफ ईच अदर फॉर ए स्टेबल डिस्प्ले। लेकिन डुअल बीम सीआरओ में ऐसा कोई जरूरत नहीं है, यानी कि स्टेबल डिस्प्ले चाहिए तो मल्टीपल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन डुअल ट्रेस सीआरओ के अंदर अगर डिस्प्ले को स्टेबल रखना है तो दोनों सिग्नल्स यानी कि जो दो ट्रेस दो सिग्नल्स या चैनल्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो सिग्नल्स मिल रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होनी चाहिए। तो आज जो हमने देखा कि डुअल ट्रेस सीआरओ क्या होता है, फिर उसके बाद डुअल बीम सीआरओ क्या होता है, और फिर फाइनली हमने इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन होता है, क्या अंतर होता है, मेन डिफरेंस क्या होता है, उसके बारे में बात की है। थैंक यू सो मच।